अलग है, कोई चुपका नहीं है और यही है टेक्निक बिरयानी की। और ये डायरेक्ट हम देख से बिरयानी निकाल के हमारे को जमील भाई दे रहे हैं। ये देखिए सादे चावल ज़्यादा डालिएगा इसको थोड़ा, ये इसका जो टेस्ट है। ये देखिए जमील भाई ने हमारी प्लेट तैयार कर दी है बड़ी ज़बरदस्त तरीके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं हूँ राशिद अली ख़ान। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वैसे तो आपने सुना होगा परदेस में देश का मज़ा, तो आपको इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ये है स्टूडेंट बिरयानी जो हमारे पाकिस्तान की कराची की मोस्ट फेमस है और आज जद्दा में भी ओपन हुई है इसकी ब्रांच और ये तकरीबन 6 साल हो गए हैं यहाँ पे ओपन है ब्रांच जद्दा में और एक मक्का में भी है। हजाज इकराम और उम्रे के लिए जो भी ज़ायरीन आते हैं अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी बिरयानी को टेस्ट करना तो मक्का में रुसैफा पे भी है, ठीक है, रुसैफा स्ट्रीट पे वहाँ जाके आप इसको टेस्ट कर सकते हैं बिरयानी। और भी इनके पास क्या क्या वैरायटी हैं अंदर जाके आपके साथ एक्सप्लोर करता हूँ। चलें फिर अंदर चलते हैं आपके साथ, इसको सारा एक्सप्लोर करता हूँ क्या क्या आइटम हैं, किस तरह से बनाए जा रहे हैं, इंशाल्लाह चलें चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हमारे आसिफ भाई हमारे साथ हैं जो यहाँ काउंटर पर मौजूद हैं और ये हमें सब बताएंगे कि क्या क्या आइटम्स इनके पास हैं और किस तरह से बनाए जा रहे हैं और किस तरह से सर्व किए जा रहे हैं और सारी आपको ये वैरायटी बताएंगे आज ये क्या क्या इनके पास यहाँ मौजूद है। चले फिर चलते हैं आसिफ भाई के साथ और आसिफ भाई हमारे को बताएंगे। ये आ गए हैं हम किचन में, मटन बिरयानी, ये है मटन बिरयानी। ओहो हो ज़बरदस्त आसिफ भाई, वाह वाह, ज़रा सही से इसका लुक दे दें ज़रा, ये बात हुई ना, ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये है स्टूडेंट फेमस बिरयानी कराची की और अब तो वर्ल्ड वाइड ये फेमस हो चुकी है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया, दुबई और सऊदी अरब में भी आपको मिल जाएगी। और आसिफ भाई ये बताइएगा क्या है ये चिकन बोनलेस हांडी है, ये चिकन बोनलेस हांडी है, यहाँ पे चिकन कोरमा है, ये चिकन कोरमा आ गया और यहाँ चिकन कढ़ाई है, ये चिकन कढ़ाई है, यहाँ पे दाल माश, ये दाल माश आ गई। काफ़ी इनके पास आइटम्स हैं और चलते हैं पोर्शन में। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, सब खैरियत है? क्या बनाया जा रहा है ये? ओहो क्या बात है आपकी, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं कबाब लगे हुए हैं, देखें चिकन टिक्का कबाब है और ये है यहाँ का फेमस मलाई होती है, बैरी बोटी होती है, ठीक है, रेशमी कबाब होते हैं, ये चिकन टिक्का चरगा होता है, लाहौरी चरगा मशहूर चरगा है। अच्छा जी, जबरदस्त जबरदस्त, आए आप हमारे पास आए बैठे खाएं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं टेस्ट करेंगे आपके पास यहाँ बैठ के और लेंगे आपसे जरूर टेस्ट करेंगे। और क्या है, तंदूरी नान है माशाल्लाह। ओहो भाई कैसे हैं आप, क्या नाम है भाई आपका? वलीउल्लाह भाई हैं माशाल्लाह, यहाँ नान लगा रहे हैं और ये तंदूर का इनका सेटअप है, ये देखें जबरदस्त, ये देखिए चरगा, ये चरगा है जनाब, ये स्टीम होता है पहले फिर बाद में फ्राई होता है सर। अच्छा, पहले स्टीम किया जाता है इसको फिर उसके बाद फिर इस ऑयल के अंदर जो है ना फ्राई किया जाता है। ये मशहूर चरगा लाहौर का, लाहौरी चरगा कहते हैं इसको, क्या बात है, बहुत पसंद करते हैं यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोग भी खाते रहते थे आपको बताइए। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा होता है इनका चरगा, जरूर टेस्ट कीजिएगा। चलें भाई हमारे को जरदा ओपन करके बता रहे हैं, जबरदस्त माशाल्लाह, मावा भी ऐसे करते हैं, कोई आइए, ये जरदा है इनका स्पेशल। और इनका जो है वीकेंड पे जो है निहारी स्पेशल होती है, ठीक है, एंड हलीम, जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं। और ये इनका फुल मेन्यू जो डील की शक्ल में भी मौजूद है इनके पास, बहुत ही रिजनेबल प्राइस और बेहतरीन टेस्ट आपको मिलेगा। ये टेबल्स पे जो मौजूद हैं यहाँ पे इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? क्या नाम है भाई आपका? यासिर खान साहब हैं, कैसी है भाई बिरयानी यहाँ की? बहुत जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, हमने स्टूडेंट बिरयानी आते जाते हैं, इसका टेस्ट
जबरदस्त 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 गुड गुड थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। ये किचन में आ गए हैं और हमारे जमील साहब जो हैं यहाँ के शेफ हैं। ये जमील भाई हमारे जो हैं शेफ, बिल्कुल ताज़ा मटन ये आपको बता रहे हैं। ये देखें ये मटन है और इसी की बिरयानी बनेगी, ठीक है ना? कोई इसमें वो नहीं है, ये पाकिस्तानी मटन आता है ताज़ा फ्रेश, ठीक है? इससे हम लेते हैं तकरीबन 7-8 किलो का बकरा होता है, ठीक है? ज़्यादा बड़ा ले तो उसमें भी मज़ा नहीं आता, गोश्त काला हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो हम छोटे बकरे यूज़ करते हैं, ठीक है, और पाकिस्तानी बकरे यूज़ करते हैं ताज़ा गोश्त। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये आपने देखे मटन भी देख लिया है, ये मटन की बिरयानी और मटन भी साफ़ सुथरा है इनका, ज़बरदस्त। और ये पूरा किचन का अंदर का व्यू, ये देख रेडी हो गई है जमील साहब की। और ये देखें माशाल्लाह तबारक, ये देखें स्टीम, देखें आप कैसे ज़बरदस्त आई है स्टीम, ओहो ज़बरदस्त माशाल्लाह। बिरयानी का लुक देखें आप सिर्फ, ये वाइट चावल हो गए, वाइट चावल हटाएंगे तो नीचे जो है ना ऑरेंज चावल आएंगे। ये देखें ये है टेक्निक इसकी बिरयानी की बनाने की, ये देखें ये देखिए नीचे से कलर वाले राइस आ गए हैं और एक एक चावल अलग अलग है, कोई चुपका नहीं है। और यही है टेक्निक बिरयानी की। और ये डायरेक्ट हम देख से बिरयानी निकाल के हमारे को जमील भाई दे रहे हैं, ये देखिए सादे चावल ज़्यादा डालिएगा इस पर थोड़ा, ये इसका जो टेस्ट है, ये देखें जमील भाई ने हमारी प्लेट तैयार कर दी है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। और ये स्पेशल है, डायरेक्ट हम देख से बिरयानी ले रहे हैं अभी, देखें बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेन्यू हमारा पूरा लग गया है, जैसे आप ये देख रहे हैं फेमस बिरयानी और ये माश की दाल फ्राई है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये भी, चेक करेंगे अभी आपको बताएंगे। और मेरी तो बहुत फेवरेट है। और ये चिकन टिक्का, मैंने जद्दा में काफ़ी टिक्के खाए हैं लेकिन जो है स्टूडेंट बिरयानी का टिक्का मेरा बहुत फेवरेट है, इसलिए कि बहुत ही टेस्टी होता है ये। और ये हमारा नान रखा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं पहले बिरयानी से। ओ सॉरी आपको खीर नहीं बताई मैंने, ये है इनकी खीर, अब आपको बिरयानी टेस्ट करके बताते हैं किस तरह की इनकी ये बिरयानी है। इसलिए कि हम तो काफ़ी अरसे से जब से यहाँ ब्रांच खुली है 5 साल हो गए हैं, 6ठा साल चल रहा है, और हम लोग लेते रहते थे और बच्चे तो हमारे बहुत ही दीवाने हैं बिरयानी के। जब भी कभी हम मक्का से मदीना से आ रहे होते थे थके हुए तो प्रेफर करते थे कि बिरयानी ली जाए और साथ में टिक्का और ये माश की दाल। और जब भी कोई पार्टी होती थी जब भी हम ज़रूर यहाँ से बिरयानी लेते थे। ये देखिए एक एक इसका राइस जो है अलग अलग है और यमी लग रहा है, टेस्ट करते हैं। ज़बरदस्त मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और चिकन भी देखें, ये देखें किस तरह से सॉफ्ट गली हुई है, देखें बहुत ही यमी लग रही है। और ये डायरेक्ट बिरयानी देख से लिए, आपने देखा होगा पहले, अब इसको रायते के साथ थोड़ा टेस्ट करते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह, रायते के साथ तो इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है बिरयानी का। अब आलू के साथ इसको
एक बाइट लेते हैं इसकी। आलू भी इनके बहुत ज़बरदस्त गले में हैं। ज़बरदस्त बिरयानी हमने टेस्ट कर ली है। अब आपको चिकन टिक्का यहाँ का जो है टेस्ट करके बताते हैं। एक बाइट हम चिकन टिक्का की लेते हैं। थोड़ा सा इस पे लेमन डालने से इसका टेस्ट जो है वो है दुबाला हो जाता है। ये देखिए ग्रिल किया गया है अपना कॉल पे। बहुत ही सॉफ्ट है। इसका भी जो है ना टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त मसालों का टेस्ट अलग आ रहा है। और है ना मीडियम मसाले हैं इसके, ना ज़्यादा स्पाइसी है ना ज़्यादा फीका है। और जो है ओवरऑल जो है इसका टेस्ट जो है बेहतरीन है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही सॉफ्ट गला हुआ है और जो बहुत मज़ा दे रहा है। टिक्का हमने टेस्ट कर लिया है। अब आ गई है दाल मास। जो मेरा तो बहुत फेवरेट है और मैं प्रेफर करता हूँ कि दाल मास खाई जाए जिस मुकाम पे भी हो। दाल मास का जो टेस्ट है ना फ्राई का वो अलग ही आता है और दिल को बड़ा भाता है ये। एक बाइट जो है दाल माश का हमने लिया है। दाल भी देखें इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि एक एक पीस जो है ना दाल माश का अलग होना चाहिए, जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और यही क्वालिटी होती है दाल माश की खाने में। जब भी मज़ा आता है इसको खाने में हाफ फ्राई दाल कहलाती है। इसका भी जो टेस्ट है ना एक्सलेंट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। सारी चीज़ें मैंने आपको टेस्ट करा दी हैं और रह गई अब ओनली खीर। खीर को टेस्ट करते हैं। आलमंड्स जो है क्रश करके इसके ऊपर डाले गए हैं। ये देखिए भाई मज़ा आ गया आज तो। रेडियो सारा मेन्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। हर चीज़ इनकी जो है डिफरेंट ही है हर टेस्ट में। आप जब भी आएंगे ट्राई करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है तो फिर जो है अपनी वीडियो का यहीं मैं अपना एंड करता हूँ। वीडियो कैसी लगी अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर। फिर नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी हम आसिफ भाई के पास अपना खाने के बाद बिल पे करने आए तो, लेकिन आसिफ भाई हमारे से पैसे नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी तरफ से स्पॉन्सर है ये वीडियो। तो आप लोग ज़रूर आइएगा और टेस्ट कीजिएगा। मक्का में भी ब्रांच है मुसैफा पे। जब भी आप मक्का मदीना आते हैं और आपको पाकिस्तानी खाने टेस्ट करने हों तो आप यहाँ पे आके स्टूडेंट बिरयानी का टेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपके सॉपरेट का। जज़ाकअल्लाह खैर। आपके रिस्क में बरकत दे। आमीन सुल्लाह।